बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दाल चना और कद्दू। घी मैंने डाल लिया है हसब ज़रूरत। अब इसमें लहसुन डालेंगे एक चम्मच भरा हुआ, ये सब्जी कद्दू शरीफ हमारे हजूर पाक को बहुत पसंद थे, हमारे घर में अक्सर बनते हैं। कद्दू का सालन या दाल कद्दू हल्का ब्राउन होने दें लहसुन को। लहसुन ब्राउन हो चुका है, दो बड़े साइज के कटे हुए टमाटर, एक अदद दालचीनी का टुकड़ा, चार पांच लौंग और चार पांच काली मिर्च के साबुत दाने, आधी चम्मच सफेद जीरा। तो पांच मिनट के लिए अभी इसको भूनेंगे। दो से तीन चम्मच फ्राई किए हुए प्याज, और साथ ही अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, आंच हल्की कर दें। एक चम्मच नमक, आधा चम्मच अदरक पाउडर और एक फुल भरा हुआ चम्मच सूखी हुई धनिया कुटी हुई। आधा चम्मच हल्दी, बल्कि थोड़ी सी और डाल देंगे। आधी चम्मच कुटा हुआ मसाला, सॉरी पिसा हुआ मसाला, और आधा चम्मच के करीब कुटा हुआ लाल मसाला। अब इन पांच चीजों को पांच मिनट के लिए भूनेंगे, टमाटर और मसाले। तकरीबन दो चम्मच के करीब इसमें पानी डाल देंगे। अब दो से तीन मिनट के लिए इसको ढांप लेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं और मसाले भी भून गए हैं। अब इसमें डाल देंगे कद्दू आधा किलो, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अब इसको गलने में पांच मिनट लगेंगे। आधा कप करीब पानी डाल देंगे। और जायके के लिए एक छोटा चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे। तो मिलते हैं पांच सात मिनट के बाद।
पानी खुश्क हो गया और कद्दू भी गल गए हैं। चूल्हा हल्का कर दिया, अब इसका सारा घी हम निकालेंगे एक बाउल में। गैस लाइट ऊपर कर दिया, अब इसमें दाल डाल देंगे। तकरीबन एक बड़ी प्याली दाल की थी, बस 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे। एक बड़ी प्यारी दाल की भिगो के बॉयल करके रख दीजिए। ऑयल इसलिए निकाला है कि दाल चने में अब जब पानी लगाएंगे तो ऑयल नज़र नहीं आता। जब ये बॉयल हो जाएगा, अच्छी तरह सालन बन जाएगा, फिर इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल। ये 4 हरी मिर्च डाल देंगे। अब दाल और कद्दू भून चुके हैं, अब ये दाल वाला पानी है जो हम मैं इसमें डाल रही हूँ। बस 2 मिनट के लिए पका के इसको, तो दाल कद्दू हमारे तैयार हो जाएंगे। तो दाल कद्दू तैयार हो चुके हैं। एक चम्मच अब डाल देंगे इसमें कुटा हुआ गरम मसाला, और अब इसके डाल ऑयल डाल देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। तो दाल कद्दू तैयार हो गए हैं। मैं अपने चैनल पर बहुत मेहनत कर रही हूँ, उम्मीद है मेरे देखने वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह सबको कामयाब करे। आमीन।